हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग अभी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे वॉयस की, और उस वॉयस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने काफी कुछ सीखा हुआ है उसमें। तो आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि किसी भी टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका कैसे हम लोग मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इस बारे में हमें बात करनी है। तो बिना देर के भी आज की वीडियो का कर लेते हैं शुरुआत। तो चलिए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो बने रहिए मेरे साथ और समझिए निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल एक आसान भाषा में और अपना, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जैसे रहा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, जी हाँ फ्रेंड, ये हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस का, तो हिंदुस्तान इसका होता है नकारात्मक वाक्य। आखिर नकारात्मक वाक्य है तो इसमें नॉट आना तो कंपलसरी है, लेकिन हम इसके एक्टिव वॉइस फॉर्मेट को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे इस बात को हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का होगा लेकिन हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, है ना दोस्तों। देखिए, ये रहा आपका, जैसे लेते हैं सबसे पहले एक सेंटेंस, सपोज जैसे ये हो गया सी डज नॉट राइट, डज नॉट राइट अ लेटर, यानी ये कहता है कि वह एक पत्र नहीं लिखते। तो सबसे पहले हमारे दोस्तों ये बात है कि सेंटेंस को पकड़ लेना कि ये निगेटिव है या नहीं है। तो निगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ, तो ये निगेटिव। अब दूसरी बात कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, इस बात को जानने के लिए समझना सब्जेक्ट के बगल में या सब्जेक्ट के आगे क्या मिल रहा है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आपको मिल रहा होगा ये डज नॉट मिले, तो समझ जाइए कि एक्टिव वॉइस की ही बात कर रहा है। तो ये एक्टिव वॉइस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है एक्टिव वॉइस। अब बनाना क्या है, इसी वाले वाक्य का हमको पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों। तो पैसिव वॉइस जब इसी वाले वाक्य का बनाना है तो किस बात से घबराना है, किसी बात से कोई घबराना नहीं है, लेना देना नहीं आयो। तो समझो, यानी कि ये टेंस तो पहचानना पड़ेगा कि मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टेंस है, तो टेंस तो कंफर्म करना ही होगा, और जिसके कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजें आपको पहले बता दी गई। तो यहां देखिए डज नॉट लिखा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो उस दौरान हमें इज एम आर नामक हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ता है। तो उसी इज एम आर का जो हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं उसी को हम निगेटिव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए बनाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सारे रूल्स फॉलो होंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। तो एक चीज मैं बताऊं कि यहाँ पे जो हमारा क्या होता है मतलब पैसिव वॉइस होता है, वो कहता है एक्टिव वॉइस से कि हे भाई सुन, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा, डरूंगा नहीं, ऐसा बोलता है। तो चलते हैं देखते हैं कि एक्टिव वॉइस ने क्या काम करा है और पैसिव वॉइस क्या करता है। तो पैसिव वॉइस बनाता है, सबसे पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कोई सबको पता है कि नहीं, सबसे पहले क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा आपका क्या, इज, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, अ लेटर इज नॉट, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म यहां पे देखिए, थर्ड फॉर्म लगता है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, यानी जो मैंने कहा था पैसिव वॉइस में ही वो देखिए, यानी देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, यहां पर भी हेल्प मतलब सब्जेक्ट हुआ मतलब ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर रिटेन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, यहां पे ले लेंगे बाय, और बाय किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, फिर आ जाएगा आपका हर। तो दोस्तों ये आपका बनके क्या तैयार हुआ, पैसिव वॉइस। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ दिक्कत आई, नहीं आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं रूल, है ना, रूल बनाते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले सॉरी गाइस, तो यहां पे हम एक रूल का फॉर्मेट करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को किस रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों यहां पे कोई ना कोई तो एक आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देना, अपना नॉट लगा देना, ठीक। अब इस नॉट के बाद क्या करना,
कि आप यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेना। क्या लेना? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऐड करना। क्या ऐड करना? प्रीपोजिशन। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद अगर देखें तो इसमें आता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस रूप में कन्वर्ट होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये रहा आपके पास एक आसान सा रूल है, और जिसके अकॉर्डिंग हम अपने निगेटिव सेंटेंस को भी हमें क्या कर लेंगे, एक्टिव से पैसिव की तरफ कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी सेंटेंस का ले लेते हैं। जैसे कोई कहता है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये कहता है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट का मीनिंग होता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या लाएंगे, यहां पर लाएंगे हम लोग क्रिकेट, क्रिकेट। फिर क्या हो जाना है? डच। फिर क्या है? नॉट। क्रिकेट डज नॉट, अब थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? देखिए प्लेड। अब क्या हो जाएगा यहां पे? प्रीपोजिशन बाई और आई को इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा मी। तो दोस्तों ये देखिए बनके तैयार हुआ कि ये निगेटिव कहता है कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। उसी का है, देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इन्होंने लिया, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहां भी है, इसके बाद नॉट है, इसके बाद यहां पर भी नॉट। फिर क्या? प्ले है, क्रिकेट है, तो यानी कि नॉट के बाद हमने थर्ड फॉर्म लिया हुआ, और इसके बाद क्या जाएगा? प्रीपोजिशन बाय, और फिर हो जाएगा मी। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे हो जाएगा ये पैसिव वॉइस। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब का, जिसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। और इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बनाने के बाद क्या हुआ कि यहां पर सीधे नॉट आया, और नॉट के बाद हमने क्या लगा लिया? अपना थर्ड फॉर्म लगाया और पैसिव वॉइस बना करके दिखाया। कई जगह होगा कि जब दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे और वहां पर प्रॉब्लम होगी कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो नॉट कहां रखेंगे और कहां नहीं रखेंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर की बात हम अभी कर लेते हैं। तो चलिए इसको आई होप समझ गए होंगे, तो अच्छे से समझ लीजिए। और इसके बाद हम एक दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब की बात की जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सॉरी, हाँ आइए आगे चलते हैं। हाँ, अगली स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि ऐसे वाले टेंस को लेंगे जहां पे डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाता हो, तो वहां पे क्या कर सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 4, जैसे कहा जाए शी इज, शी इज नॉट, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जी दोस्तों, यहां पे ये हो गया शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि वह गीत नहीं गा रही होगी। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो पैसिव वॉइस बनाने की प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा कि डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा, और डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो फिर क्या होगा वहां पे, नॉट कहां पे रखेंगे इस बात को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी सबसे पहले कौन आएगा हमारा, यानी ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और टेंस के अकॉर्डिंग अगर पहचान देखें तो ई जे मार के बगल में आई एन जी का आना, ये बताना कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाना। क्लियर है? तो ऑब्वियसली क्लियर होगा, है ना? तो देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लेंगे क्या, और फिर क्या हो जाएगा सॉन्ग, और इसके बाद हमको क्या लगाना है इज। अब देखो इसके में आता है बीइंग शब्द आता है, लेकिन क्या करेंगे कि जो पहला शब्द हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसी के बगल में क्या लगा देंगे नॉट, और उसके बाद दूसरे हेल्पिंग वर्ब के पार्ट को लाएंगे। तो ये देखो अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, फिर क्या हो जाएगा संग, फिर क्या बाई, और सी को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा हर। अब यहां पर ये देखो ये बन के क्या तैयार हुआ आपका, ये बन के तैयार हो गया है आपका पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहां पे देखो जब हमारे पास डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो सीधी सी बात है कि डबल हेल्पिंग वर्ब वाले में कुछ भी नहीं करना है। अगर डबल हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसमें क्या करते हैं कि पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, फिर दूसरा वाला पार्ट उसका रख देंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारा दो शब्दों से बन गया, सिंपल समझो कि अगर दो शब्दों से बन गया तो क्या करेंगे नॉट को रखने का जो स्थान होगा वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रखेंगे और फिर दूसरे वाले को ही लाएंगे। जैसा कि हाँ इज भी था और बीइंग भी था, तो इज हमारा पहला था, इसके बाद हमने नॉट लगाया और फिर हमने दूसरा वाला ऐड कर दिया। अब देखो यहां पे देखते हैं ये रूल, तो यहां पे ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट के रूप में बनेगा। चलो
यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई तो आएगा, आप उसी हेल्पिंग वर्ब की बात क्या करना, नॉट लगाना। लेकिन जो उस हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट होगा वो यहां कर देना, यानी हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड वर्ड, यानी यहां पे क्या कर देना, सेकेंड वर्ड। और ये कौन सा वर्ड है, ये डब्ल्यू वन कर दो, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब का कौन सा वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है। क्लियर? अब इसके बाद क्या कर देना, यहां पे थर्ड फॉर्म लगा देना, और थर्ड फॉर्म के बाद यहां पे क्या कर देना, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता ही है आता है यहां पे क्या, सब्जेक्ट है, लेकिन बन किस रूप में जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाता है। तो नो डाउट आप इस तरह के आने वाले, यानी जिनमें डबल हेल्पिंग वर्ब आएगा उनका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, तो हमें एक एग्जांपल की और जरूरत पड़ी। तो देखिए सॉरी, ये तीन नंबर कर देते हैं, अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो ये थर्ड है, और एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहां देखें तो ये फोर है। देखो अब कहा जाइए, सी हैज नॉट बॉट अ कार। यहां पे ये कहता है कि सी हैज नॉट बॉट अ कार, उसने एक कार नहीं खरीदा है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी हैज नॉट दिख गया, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें डबल हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, हैज बीन मिलता है, ये सबको पता है। ये कौन सा टेंस है, हैज और थर्ड फॉर्म मिल जाने से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा वो मिलेगा हैज बीन मिलेगा, क्या मिलेगा, हैज बीन मिलेगा। तो गाइस यहां पे जरा देखना कि दो शब्द आया, एक हैज और एक बीन, तो नॉट किधर लगेगा, तो वही मैंने बताया कि पहले वर्ड के बाद लगाएंगे, यानी हैज के बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद दूसरा वर्ड लाएंगे यानी बीन। तो जरा देख यहां पे क्या हो जाएगा, अ कार, इसके बाद देखो हैज, यानी ये डब्ल्यू वन पहला हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नॉट, और इसके बाद फिर देखो बीन, ये है ना हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड, यानी ये डब्ल्यू वन कर दो, मतलब हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड हो गया, और ये डब्ल्यू टू कर दो, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड हो गया। अब इसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्री में लगा देना, ये तो फ्री गिफ्ट मिला हुआ, बट फिर क्या कर देना, बाई, सी को इधर लेकर आना, हर, इसके बाद क्या हो जाना, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस बन गया, और ये क्या था आपका, एक्टिव वॉइस था। जो जी दोस्तों मुझे भी देखिए, अब जो डबल हेल्पिंग वर्ब आता है और नॉट लगाने की समस्या दिखती है तो वो भी सॉल्व होगी। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसे वाले टेंस का नाम लेने की कोशिश करेंगे जिसमें ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में तीन शब्द आ जाते हैं, तो उनका क्या करेंगे, उनको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, लास्ट स्टेप हमारा नेगेटिव वहां जाकर रुकेगा। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, तो इसको सीख लीजिए और इसके आगे आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चल के ये सीखते हैं कि अगर पैसिव वॉइस बनाने के समय तीन शब्द अगर आ गए हेल्पिंग वर्ब के तो नॉट किधर लगाएंगे वो सिखाते हैं, है ना। तो अगली स्लाइड चलते हैं, ये रही आपकी अगली स्लाइड, और यहां पे हमें कुछ ऐसी बातें करनी है, यहां पे हमें कुछ ऐसी बातें करनी है जिसमें अगर पैसिव वॉइस के दौरान तीन शब्दों की सहायक क्रिया मिलेगी तो हम वहां पे क्या करके दिखाएंगे। चलते हैं आइए, तो ये है एग्जांपल नंबर फाइव, यहां पे लेते हैं जैसे शी विल हैव बॉट अ थार। यानी अब देखो सी विल हैव बॉट अ थार, यानी ये कहा जा रहा है कि वो थार खरीद चुकी होगी, क्या खरीद चुकी होगी, यानी ये मेरे सामने तो एक सेंटेंस है लेकिन यहां पर जाना थोड़ा सा गाइस, हमें सीखना क्या था, निगेटिव सीखना था, तो चूंकि नॉट यहां पे हमें एडजस्ट कर लेना होगा, है ना, विल नॉट, फिर क्या है, फिर क्या, बट, फिर क्या, अ थार। देखो तो सी विल, यहां भी ये आपका एल, सी विल नॉट हैव बट अ थार, जो वो खरीद नहीं चुकी होगी एक कार, ये कौन सा टेंस है, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म अगर आया है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाएगा, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। तो जरा देखना इस क्या हुआ, ये कौन सा वॉइस माना जाएगा, तो ये वॉइस की अगर बात करेंगे तो नो डाउट ये आपका एक्टिव वॉइस होगा, और बनाना क्या है हमें, पैसिव वॉइस, तो सिंपली उठाओ अ थार, अ थार, फिर क्या लगाओ, विल, ठीक है,
यानी इसके बाद आपने क्या लगाया, अथार के बाद आपने विल लगाया, ठीक, विल, इसके बाद क्या कर दोगे, नॉट, अथार विल नॉट। फिर देखो ये हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द है, नहीं कि जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद ही आता है, इतना कंफर्म रखना। फिर देखो दो शब्द आए जो इसमें आएंगे वो क्या आएंगे, हैव और फिर क्या जाएगा, बीन, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, विल नॉट हैव बीन, अब इसके बाद क्या कर देना, बॉट, थर्ड फॉर्म फ्री वाला, और इसके बाद क्या, बाई, और सी को इधर लेकर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हर। आई होप गाइस ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब वाला आया तो हम क्या करेंगे, पहले शब्द के बाद में ही नॉट लगाएंगे और उसका पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे। तो अथार विल नॉट हैव बीन बॉट बाई हर, क्लियर हो गया, इसका जरूर बना दो देखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, बोलने का कोई चांस ना रखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इसे अपर लेते हैं, चलो तो यहां पे कर देते हैं इसको अपर लेने में क्या हो रहा है, ठीक है, सॉरी गाइस, हाँ देखना जरा। तो ये हमको बनाना है रोल। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और कोई डाउट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा है ना, लेकिन ये वन कर दो, यानी पहला शब्द हो जाएगा और उसी पहले शब्द के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, लेकिन शब्द कौन सा, दूसरा, यानी वर्ड कौन सा रहेगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब का, और इसके बाद ही प्लस में क्या कर देना, तीसरा। ये जो मैं हेल्पिंग वर्ब पहला दूसरा तीसरा लिख रहा हूं, ये शब्द है, ये कौन सा, ये वर्ड ले लो, वर्ड नंबर पहला, वर्ड दूसरा और वर्ड तीसरा, क्लियर है, हाँ। तो समझना कि हेल्पिंग वर्ब के वर्ड की बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब तीन नहीं आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के वर्ड की बात कर रहा हूं कि तीन हेल्पिंग, मतलब जो है कि हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा, लेकिन उसके तीन वर्ड होंगे और तीनों वर्ड को प्लेस कहां करेंगे, नॉट को इधर रखेंगे। तो एक जो नॉट, मतलब नॉट रहेगा वो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के, यानी जो हेल्पिंग वर्ब का हमारा वर्ड होगा पहले वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी का दोनों को पीछे कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला विल था और फिर हैव बीन था, तो ये पहला वर्ड हो गया, तो इसको मैंने यहां रख दिया, और हैव बीन हो गया तो दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, समझना। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड वर्ब। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लेते हैं प्रीपोजिशन, जी हाँ, इसके बाद हम लोग लेते हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट बन के जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ है गाइस, ऐसा देखो इस तरीके से बनाया जाएगा, बन के हो गया तैयार, चलो आगे चलते हैं। तो नंबर सिक्स लेते हैं, एक और भी ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि आई, सॉरी आई शैल, आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड होमवर्क तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, जरा देखना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, है ना, ये तीन शब्द, मतलब अभी तो दो शब्द है लेकिन पैसे वाइस बनेगा तो इसमें कितने आ जाएंगे, तीन शब्द आएंगे, तो फिर नॉट किधर आएगा वो जरा देखना। तो ये क्या हो जाएगा, होम, और फिर क्या, वर्क, फिर क्या लगा देना, इसके अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे विल, और देखो जैसे सेल के बाद नॉट है वैसे विल के बाद भी नॉट रहे, और फर्क है कि दूसरा वर्ड है और तीसरा कौन सा है, बीन, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद क्या वर्ब, वर्ब कौन सा हमारा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, फिर क्या करेंगे, बाई, प्रीपोजिशन, और सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को किधर लेकर आओगे, मी, जरा देखो ये पहला क्या माना जाएगा, एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा कि आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव सेंटेंस का इंपरेटिव, सॉरी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, आपने पूरा एंजॉय किया होगा, और किसी भी टेंस का आएगा नेगेटिव बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, पैसिव वॉइस कहता है हमेशा एक्टिव वॉइस से, हे भाई सुन, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा, यानी उसका एक ही सेंस होता है कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी जो ऑब्जेक्ट मानते हैं आप
उसके सब बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है तो आप में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, इतना ही बात आपको समझना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो पे पहले भी मतलब चैनल पे पहले भी व्यूअर हैं यानी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर पर केयर करें, बाकी हम आपका केयर करते हैं आपकी जरूरतों का। तो चलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर पे केयर कर लीजिए और हम आपकी जरूरतों का केयर कर लेते हैं, सफलता यूं ही एक दूसरे को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।